हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू योर ई लर्निंग स्पेस दैट इज़ पढ़ो इंडिया बढ़ो इंडिया। नमस्कार दोस्तों, पढ़ो इंडिया बढ़ो इंडिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिएटेड इंपॉर्टेंट वीडियोज़ को रेगुलर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ एक बेल आइकन भी है उसे भी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में जितने भी अपडेट्स हम करते रहते हैं वो इजीली आपको मिल सकें, लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल के रेगुलर बेसिस पे आपको मिल सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, नो योर स्टेट्स के अंतर्गत एक नया प्लेलिस्ट हम इसमें शुरू करने जा रहे हैं अपने चैनल में। नो योर स्टेट या नो योर यूनियन टेरिटरी आप कह सकते हैं इसे, पर ये प्लेलिस्ट है नो योर स्टेट से रिलेटेड। कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं कई स्टेट या कोई यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड कि वो कब फॉर्मेशन कब हुआ था या उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो उससे रिलेटेड हमारा ये नया प्लेलिस्ट शुरू हुआ है। और इसके अंतर्गत आज हम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में जानेंगे। जी हाँ दोस्तों, जो कि भारत का यूनियन टेरिटरी है यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसके तहत हम निम्न चीज़ों को जानेंगे: नाम, इसका इतिहास, कौन से इसमें जिले हैं, सेलुलर जेल, कार्बन कोव, समुद्र तट, बैरन द्वीप, वाइपर द्वीप, आवागमन और सबसे इम्पॉर्टेंट लास्ट में परीक्षा उपयोगी तथ्य, जो कि हमें लगता है कि एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, ऐसे तथ्य हम उसको बताएंगे। तो देखते हैं सबसे पहले नाम। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। ये बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह लगभग 572 छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना है, जिनमें से सिर्फ कुछ ही द्वीपों पर लोग रहते हैं। यहाँ की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। यह इंडोनेशिया के आचेह के उत्तर में 150 किलोमीटर पर स्थित है तथा अंडमान सागर इसे थाईलैंड और म्यांमार से अलग करता है। दो प्रमुख द्वीप समूहों से मिलकर बने इस द्वीप समूह को 10 डिग्री उत्तर अक्षांश पृथक करती है, जिसके उत्तर में अंडमान द्वीप समूह और दक्षिण में निकोबार द्वीप समूह स्थित हैं। इस द्वीप समूह के पूर्व में अंडमान सागर और पश्चिम में बंगाल की खाड़ी स्थित है। अंडमान शब्द मलय भाषा के शब्द हांदुमन से आया है, जो हिंदू देवता हनुमान के नाम का परिवर्तित रूप है। निकोबार शब्द भी इसी भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है नग्न लोगों की भूमि। अंडमान अपने अंचल में मूंगा भित्ति, साफ स्वच्छ सागर तट, पुरानी स्मृतियों से जुड़े खंडर और अनेक प्रकार की दुर्लभ वनस्पतियां संजोए हैं। अंडमान का लगभग 86% क्षेत्रफल जंगलों से ढका हुआ है। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट आप इसमें नोट कर लीजिए, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैंने उसे पॉइंट वाइज कर दिया है और साथ ही साथ उसमें से भी जो खास इम्पोर्टेंट है उनको मैंने बोल्ड और इटैलिक कर दिया है या अंडरलाइन कर दिया है, उसे हाईलाइटेड कर दिया है मैंने, तो उन चीज़ों को आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। इसके बाद है इतिहास। इस द्वीप समूह पर 17वीं सदी में मराठों द्वारा अधिकार किया गया था। इसके बाद इस पर अंग्रेजों का शासन हो गया और बाद में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान द्वारा इस पर अधिकार कर लिया गया। कुछ समय के लिए यह द्वीप नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज के अधीन भी रहा था और जनरल लोकनाथन यहाँ के गवर्नर रहे थे। 1947 में ब्रिटिश सरकार से मुक्ति के बाद यह भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना। ब्रिटिश शासन द्वारा इस स्थान का उपयोग स्वाधीनता आंदोलन में दमनकारी नीतियों के तहत क्रांतिकारियों को भारत से अलग रखने के लिए किया जाता था। इसी कारण यह स्थान आंदोलनकारियों के बीच काला पानी के नाम से कुख्यात था। कैद के लिए पोर्ट ब्लेयर में एक अलग कारागार सेलुलर जेल का निर्माण किया गया था, जो ब्रिटिश इंडिया के लिए साइबेरिया के समान था। 26 दिसंबर 2004 को सुनामी लहरों के कहर से इस द्वीप पर 6000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। जिले। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में केवल 3 ही जिले हैं। एक है उत्तर और मध्य अंडमान जिला, दूसरा है दक्षिणी अंडमान जिला और तीसरा है निकोबार जिला। प्रमुख आकर्षण है यहाँ के सेलुलर जेल है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अंग्रेजी सरकार द्वारा भारत के स्वतंत्रता सेनानियों पर किए गए अत्याचारों की मूक गवाह इस जेल की नींव 1897 में रखी गई थी। इस जेल के अंदर 694 कोठारियां हैं। इन कोठारियों को बनाने का उद्देश्य बंदियों के आपसी मेल जोल को रोकना था। ऑक्टोपस की तरह 7 शाखाओं में फैली इस विशाल कारागार के अब केवल 3 अंश बचे हैं। यहाँ एक संग्रहालय भी है जहाँ उन अस्त्रों को देखा जा सकता है
जिनसे स्वतंत्रता सेनानियों पर अत्याचार किए जाते थे। कार्बिन कोप समुद्र तट। हरे भरे वृक्षों से घिरा यह समुद्र तट एक मनोरम स्थान है। यहाँ समुद्र में डुबकी लगाकर पानी के नीचे की दुनिया का अवलोकन किया जा सकता है। यहाँ से सूर्यास्त का अद्भुत नज़ारा काफ़ी आकर्षक प्रतीत होता है। यह बीच अपनी प्राकृतिक खूबसूरतियों के लिए लोकप्रिय है। बैरन द्वीप। बैरन द्वीप का ज्वालामुखी यहाँ भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। कई बार ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ चुका है बैरन द्वीप से रिलेटेड। यह द्वीप लगभग 3 किलोमीटर में फैला है। यहाँ का ज्वालामुखी 28 मई 2005 में फटा था, तब से अब तक इससे लावा निकल रहा है। वाइपर द्वीप। यहाँ किसी जमाने में गुलाम भारत से लाए गए बंदियों को पोर्ट ब्लेयर के पास वाइपर द्वीप पर उतारा जाता था। अब यह द्वीप एक पिकनिक स्थल के रूप में विकसित हो चुका है। यहाँ के टूटे फूटे फांसी के फंदे निर्मम अतीत के साक्षी बनकर खड़े हैं। यहाँ पर शेर अली को भी फांसी दी गई थी, जिसने 1872 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो की हत्या की थी। आवागमन। वायुमार्ग। इंडियन एयरलाइंस की उड़ानें सप्ताह में 3 बार यानी हर मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को पोर्ट ब्लेयर से चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली और भुवनेश्वर को जाती हैं। वह इन शहरों से पोर्ट ब्लेयर के लिए आती हैं। जलमार्ग। कोलकाता, चेन्नई और विशाखापट्टनम से जलयान पोर्ट ब्लेयर जाते हैं। जाने में 2 दिन का समय लगता है। पोर्ट ब्लेयर से जहाज छोड़ने का कोई निश्चित समय नहीं है। अब देखते हैं परीक्षा उपयोगी तथ्य को, वो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि कुछ एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। इस्टेब्लिश हुआ था ये 1 नवंबर 1956 में, आधिकारिक रूप से ये अस्तित्व में आया था। कैपिटल और जो लार्जेस्ट सिटी है इसकी वो है पोर्ट ब्लेयर। डिस्ट्रिक्ट्स हैं केवल 3 यहाँ पर। जो एरिया है, कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किस प्रकार से कोई भी राज्य, ना केवल अंडमान या कोई भी क्षेत्र राज्य या कोई भी यूनियन टेरिटरी, उसमें कितना एरिया है, तो इसका टोटल जो एरिया है वो है 8,249 किलोमीटर स्क्वायर, या फिर इसको 3,185 स्क्वायर मीटर कह सकते हैं। एरिया रैंक में ये भारत के 28वां स्थान है अंडमान निकोबार का। पॉपुलेशन 2012 के अकॉर्डिंग है 3,80,500। डेंसिटी यानी कि जनसंख्या घनत्व है 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लैंग्वेज बोली जाती है यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी, और वेबसाइट है इनकी ऑफिशियल www.andaman.gov.in। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सोशल मीडिया में अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करके हमारा नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी पढ़ो इंडिया में कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगा तो इसकी इन्फॉर्मेशन आपको ईजिली मिल जाएगी। किसी भी क्वेरी के लिए आप हमें लिख सकते pindia@gmail.com पर, या आप हमें कमेंट के माध्यम से भी इस वीडियो में सूचित कर सकते हैं। और ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।